हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। फिर से एक नई वीडियो में सीआरएस यूनिवर्सिटी के बीएड के रिजल्ट को लेकर भाई आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा भाई, कुछ बातें भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के लिए उनका भविष्य एक उंगली पर अटका हुआ है। मतलब मीन्स की एक यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के ऊपर उनका भविष्य अटका हुआ है, क्योंकि भाई हरियाणा राजस्थान के जो है हरियाणा की वैकेंसियां निकल गई है टीजीटी की, जिनको 26 तारीख तक रिजल्ट चाहिए, 26 अक्टूबर तक, ठीक है। और जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनका जो है लेक्चरर का एग्जाम है 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 11 का फर्स्ट एग्जाम है उनका स्टूडेंट का, आप लोग स्क्रीन पर प्रूफ भी देख रहे होंगे, 11 का ये एग्जाम है फर्स्ट। और इसमें साफ साफ अक्षरों में नोट में लिखा हुआ है, जब तक आप लोग अपनी सेकेंड ईयर की जो रिजल्ट में उत्तीर्ण होने का एग्जाम से पहले उत्तीर्ण होने का सबूत नहीं देंगे, तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई क्या फायदा रहेगा बच्चों का अगर बाद में रिजल्ट मिलेगा तो, ठीक है। अब चलो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे होंगे, 20, 30, 40, 50 बच्चे होंगे, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मिल जाए तो बढ़िया है, यूनिवर्सिटी भी बढ़िया, और यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अगर आप 10 के बाद 12, 13 को दे रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बस बच्चों को नुकसान होगा और कुछ नहीं है। बच्चों का कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ओवरेज होने जा रहे हैं, वो दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे इसका, ठीक है। क्या पता उनका भविष्य इसी लास्ट एग्जाम पे और इसी जो ओवर एज होने की जो लास्ट कंडीशन आई हुई है, क्या पता हो सकता है उनकी भविष्य बदल दे, उनकी जिंदगी बदल दे। कुछ बच्चे दो दो तीन तीन साल से तैयारियां कर रहे हैं, देखो बच्चों ने मेल भी किया है, गवर्नर तक मेल किया है जो है कि भाई रिजल्ट जल्दी मिल जाए तो हमारा क्या है एग्जाम हो जाए, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को मैं बताता हूँ भाई, जो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी 20 तारीख तक आने के लिए बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के पास गए, वीसी सर के पास गए, उन्होंने बोला कि भाई 20 तारीख तक हम ट्राई करेंगे, मतलब 20 तारीख तक ट्राई करेंगे तो 22 तारीख से छुट्टियां स्टार्ट है, उसके बाद 27 तक छुट्टियां हो जाएगी, क्या फायदा भाई। 26 तारीख तक तो लास्ट डेट है स्टेट के टीजीटी की जो वैकेंसी निकली हुई है स्टेट की, तो उनकी 26 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद तो कोई फायदा भी नहीं रहेगा बच्चों को, ठीक है। हो सकता है भाई फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आप बाद में दे दे, लेकिन सेकंड ईयर का तो पहले दे सकते हैं, सेकंड ईयर का पहले दे दे, फर्स्ट ईयर का बाद में 10 दिन बाद दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि भाई बच्चों को ज्यादातर सेकंड ईयर के रिजल्ट की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आई हुई है, 12-12 साल में वैकेंसी आती है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, रिजल्ट को लेकर जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए, अपना मैं आपको स्क्रीन पर मेल आईडी दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की, तो वहां पे आप मेल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कीजिए पूरा फुल डिटेल में। बाकी अपने एबीपी संगठन के जो प्रधान जी हैं सुनील भाई जी और जो इंचो के लीडर हैं मोनू जी, वो भी आप लोगों के फुल सपोर्ट में है और जितना हो सकेगा आप लोगों का 20 से पहले पहले रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीसी ने ट्राई के लिए बोला, तो जहां तक कोशिश करेंगे हमारे वीसी सर भी आपका जो रिजल्ट है जितना जल्दी हो सकेगा निकालेंगे, और हो सकेगा इस अक्टूबर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का भविष्य इस रिजल्ट पे टिका हुआ, बहुत सारे बच्चों का भविष्य इस रिजल्ट के ऊपर टिका हुआ है। मेरे को नहीं लगता किसी के मन में ये है कि भाई हम किसी के भविष्य को खराब कर दें, तो जहां तक है देखते हैं, अभी वेट करो, वॉच करो और मेल आईडी पर जितना हो सके मेल करो, ट्वीट करो, ठीक है। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतना जल्दी ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर भी कोई वीडियो के डिटेल चाहिए तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, बाकी आप लोगों का सपोर्ट जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों के लिए ग्रीवेंस कैसे डालते हैं सीआरएस यूनिवर्सिटी में भाई, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, ग्रीवेंस कैसे डालना वो मैं आप लोगों को कल वीडियो बना के बताऊंगा पूरा डेमो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।